नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जाते जाते मेरा अपना वो फलसफा है और ये फलसफा मैं अक्सर उन पत्रकारों को देता हूं जो इन मुश्किल हालात में अपना काम करते हैं। इन तेज हवाओं से घबराना नहीं है, तेज हवाओं से ना घबरा ए बाज, ये तो आती ही है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूं। एबीपी न्यूज में मैं था, मैंने छोड़ दिया, और छोड़ने की वजह क्या थी कि एक दिन मैं एंकरिंग कर रहा था और सुल्तानपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक पर गोली मार दी जाती है। दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में थे और उन्होंने कहा कि आप आइए उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए क्योंकि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है। अब मैंने सिर्फ इतना कहा कि प्रधानमंत्री दो दिन पहले आश्वासन दे रहे थे और आज क्या हो गया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। उसके चलते मुझे 15 दिन की छुट्टी पर भेज दिया गया। वापस आना मैंने सही नहीं समझा, मैं निकलना भी चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मुख्य धारा की मीडिया अब पत्रकारिता करने के लायक नहीं रही। मगर मैंने छोड़ दिया दोस्तों, और उसके बाद क्या होता है, एक दिन अचानक मेरा ड्राइवर कहता है, सर ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं ना, इसे मैं आज चौथी बार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैंने बोला क्यों? कहता है याद है आपको जब आप उस दिन मिली बाबुश के साथ खान मार्केट गए थे, मिली बाबुश मेरे बच्चे हैं, उस दिन भी ये गाड़ी हमारे पीछे थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अकेला था और मैंने थोड़ी स्लो की गाड़ी, वो साइड से जाने लगी और फिर मैं आगे निकल गया क्योंकि उसके शीशे काले थे, मैं नहीं जानता था अंदर कौन था क्या था। फिर अगले दिन क्या देखता हूं कि वो मेरे घर के पास खड़ी हुई है। मैं पुलिस के पास गया, मैंने शिकायत की, पता चला कि वो गाड़ी किसी कश्मीरी की थी जो श्रीनगर का रहने वाला था मगर नोएडा में काम कर रहा था। अब मुझे लगा अगर वन इन अ ब्लू चांस कि वाकई ये वो है, कोई कश्मीरी मुस्लिम है जो यहां काम कर रहा है दिल्ली में, और अगर मैंने शिकायत को आगे लेकर गया तो वैसे ही तो आपको जानते हैं कश्मीरी और मुस्लिम तो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है पुलिस को ठोकने के लिए। तो मैंने शिकायत वापस ले ली, मगर मैं समझ गया था कि इसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था मुझे टेल करने के लिए। जिस जिक्र अभी अभी जिस चीज का जिक्र पन्नू जी ने कहा, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ 13 करोड़ की टैक्स चोरी के अनाप शनाप टैक्स केसेस दर्ज कर दिए गए। उसके अंतर्गत वो लोग मेरी वाइफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी करने वाले थे क्योंकि वो मेरी पत्नी है। करीब 8 या 9 महीने तक उनके प्रमोशन को रोक के रखा गया और उनके साथ बैच था 8 और लोगों का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस बैच का हिस्सा मेरी वाइफ भी थी। और मुझे याद है जब ये तमाम चीजें होती थी तो आपके अपने ही जो कुछ और पत्रकार मित्र होते थे वो उसको लेके मजे लिया करते थे और कुछ लोग कहते थे, अरे कोई बात नहीं यार, अगर तुम सच्चे हो तो डरने की क्या बात है। मैंने बोला डरने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, जैसे कहा ना कि जो प्रक्रिया है वही सजा है, द प्रोसेस दिस इज द पनिशमेंट। 2002 से लेके 2017 तक जिस नर्क से प्रजापति परिवार गुजरा है वो प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, वही प्रक्रिया सजा है। 2017 से पहले ये वो शख्स था जिसके सामने इस राज्य के गृह मंत्री जो है नतमस्तक होते थे, तो आप समझ सकते हैं उस परिवार को किस असुरक्षा से गुजरना पड़ा था। तो ये जो प्रक्रिया है ना, यही पनिशमेंट होता है। और आज लोग आसानी से कह देते हैं, चलिए कोर्ट केसेस हो गए कोई बात नहीं है, आप जीत जाओगे यार अगर आप सच्चे हो, मगर आप समझते नहीं हो वो जितने भी दिन चलता है आप जिस टॉर्चर से गुजरते हैं, आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं उसका, मगर लोग जिस टॉर्चर से गुजरते हैं आप समझ नहीं सकते हो कितनी बड़ी असुरक्षा है। मगर मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि समर्थन दीजिए हमारे उन पत्रकारों का जो इन छोटे छोटे इलाकों पर काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पेशे को बदनाम भी करते हैं, कुछ लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि भाई जो लोकल पॉलिटिशियंस के वो लोग फिक्सर बने रहते हैं, मगर नहीं, फिर पवन जायसवाल जैसे पत्रकार भी हैं,
एक मिसाल हैं छत्रपति जी जैसे भी, उनके हाथ मजबूत कीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए ताकि किसी का सिला, किसी का परिणाम रामचंद्र छत्रपति जी जैसा ना हो। खैर उनकी तो एक विरासत है, मैं सिर्फ उनकी मौत की बात कर रहा हूं। वो आज जिंदा होते तो मैं नहीं जानता उनके जरिए और वो क्या क्या कर सकते थे, मगर हां उनकी शहादत ने हम सबको एक मिसाल दी है। और दोस्तों जाते जाते मेरा अपना वो फलसफा है, और ये फलसफा मैं अक्सर उन पत्रकारों को देता हूं जो इन मुश्किल हालात में अपना काम करते हैं, इन तेज हवाओं से घबराना नहीं है। तेज हवाओं से ना घबरा ए बाज, ये तो आती ही है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।